हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं पर सुना होगा और शायद ही ऐसा कहीं पर देखा होगा, और इसको देखने के बाद आप एकदम हैरान रह जाओगे कि ये ट्रिक कैसे काम करती है, और साथ ही साथ ये आपके इतनी यूज़फुल होने वाली है बहुत ही ज़्यादा, और ये ट्रिक आपकी डेली लाइफ में काफ़ी काम आ सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी एग्ज़ाम टाइमिंग चल रही है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं और उनमें हमें वेबसाइट को कैमरा एक्सेस देना होता है और साथ साथ माइक्रोफोन एक्सेस भी देना होता है, तो यानी कि चीटिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ना ही आप उसमें कुछ बोल सकते हो। आपको सिर्फ सामने बैठ करके एग्ज़ाम दे रहना है, और ना ही आप अपने ब्राउज़र चेंज कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट से बाहर क्लिक भी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सामने कुछ एरर देखने को मिलती है, वार्निंग्स आती है। तो आज मैं आपको इसी का सोल्यूशन बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम से या फिर इस ट्रिक के जरिए आप कैसे एग्ज़ाम के साथ साथ और भी काम कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर जाना होगा, कोड विद पंकज, और इस चैनल के आपको जाना होगा वीडियो सेक्शन में। यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी आपको जिसका नाम होगा इंस्टॉलेशन ऑफ VMware वर्चुअल बॉक्स 16 प्रो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक के साथ साथ सारे लाइसेंस की जो वर्क करते हैं वो सभी मैंने वहाँ पर दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो की लिंक आई बटन में दी हुई है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं जल्दी से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेता हूँ जिसका साइज़ कुल 621 MB का है। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड सही है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला बिल्कुल नहीं है, तो इसको जल्दी से डाउनलोड करते हैं। मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बस डाउनलोड ही होने वाला है। इसकी डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करते हैं। जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ होगा तो आपको कुछ ऐसी फाइल देखने मिलेगी जिसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना होगा। अगर आपके सामने कुछ येस और नो पूछने वाली परमिशन आती है तो आपको येस कर देना है, तो क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर और चेक कर देना है आई एक्सेप्ट पर, फिर नेक्स्ट, एनहेंस कीबोर्ड पर टिक कर देना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। उसकी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, लाइसेंस और फिनिश, आपको क्लिक करना होगा लाइसेंस पर। और अब आपको जाना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पर लाइसेंस की दी हुई है, आपको वहाँ पर जाकर उसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है सॉफ्टवेयर के अंदर और क्लिक करना होगा एंटर पर। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस हो चुका है, और इसके बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। तो लैपटॉप को रिस्टार्ट करने के बाद आपको ओपन करना होगा जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है, VMware वर्कस्टेशन प्रो, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन ए वर्चुअल मशीन। तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट ए वर्चुअल मशीन और यहाँ पर चूज़ करना होगा टाइपिकल, यहाँ पर क्लिक करना होगा आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर चूज़ करना होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और विंडोज़ 1064, नेक्स्ट, यहाँ पर उसका नाम देना है वर्चुअल मशीन का, तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पर आप उसका साइज़ दे सकते हो कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को कितना साइज़ देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 80 GB देना चाहता हूँ, और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर, फिनिश। तो आपकी जो वर्चुअल मशीन थी वो एक तरीके से सेटअप हो चुके हैं, इसके भी थोड़ी सेटिंग और बाकी है, उसको अभी हम आगे करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो वर्क स्टेशन है वो एक्टिवेटेड है नहीं है, तो आपको जाना होगा हेल्प सेक्शन में, और सबसे लास्ट का ऑप्शन है अबाउट VMware, और यहाँ पर आप स्टेटस में देख सकते हो कि यहाँ पर लाइसेंस लिखा हुआ है, यानी कि आपको जो स्टेटस है वो लाइसेंस हो चुका है, अभी इसमें कोई की एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जाना होगा मेरे चैनल पर, और वहाँ पर एक वीडियो बनी हुई है कि इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज 10 इन VMware वर्क स्टेशन, आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं इसकी लिंक आई बटन में दे दूँगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, या फिर मैं इस वीडियो जो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दी हुई है,
आपको वहाँ पर जाकर विंडो 10 की ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करना होगा डाउनलोड एनीवे। आपकी जो डाउनलोडिंग है विंडो की ISO वो स्टार्ट हो चुकी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी तेज है। तो मेरी जो फाइल है वो बस डाउनलोड ही होने वाली है, अभी डाउनलोड हो चुकी है। तो डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी फाइल आएगी। अभी आपको जाना होगा एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, और यहाँ पर जो मेमोरी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप अपने वर्चुअल मशीन को कितनी रैम देना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा प्रोसेसर। अब आपको जाना होगा CDF की DVD, और यहाँ पर एक ऑप्शन है यूज़ ISO इमेज फाइल। क्लिक करना होगा ब्राउज पर, और जाना होगा अपनी जो ISO फाइल है उसको चूज़ करना है जो अभी हमने डाउनलोड की थी। और जो बाकी की सेटिंग है अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट से बिल्कुल सही सेटिंग हो रखी है सारी। क्लिक करना होगा ओके पर, तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसका सेटअप हो चुका है। अभी आपको उसको करना होगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो आपकी जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन थी वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको कोई भी एक की प्रेस कर देनी है। जो आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन थी वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको चूज़ करने की लैंग्वेज जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर। क्लिक करना होगा इंस्टॉल नाउ, तो जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको डालनी होगी विंडोज़ की जो कि आपको मिलेगी मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर जाकर के आप इसको जो की दी हुई है इसको कॉपी कीजिए, और यहाँ पर जाकर के आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको इसको मैनुअली टाइप करना होगा, और की को टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। यहाँ पर चूज़ करना होगा आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। क्लिक करना होगा कस्टम इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर जो आपने साइज दिया था 80 GB का उसी को चूज़ करना है ओके, और क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। आपकी जो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन थी वो स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रोसेस डिपेंड करती है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना पावरफुल है। अगर आपका सिस्टम में अच्छा प्रोसेसर है और रैम भी अच्छी दी हुई है तो ये प्रोसेस जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, या फिर आप चैप्टर से बोल सकते हो। तो आप जो है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जंप कर सकते हो। अगर आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो, जिसकी टाइमिंग मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप वहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर पर जा सकते हो, जहाँ पर मैं इसे कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ और जो एक्चुअल काम है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा गेटिंग रेडी का। तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा अपने आप से। तो यहाँ पर जो है विंडोज़ की कुछ बेसिक सेटिंग आने वाली है, आप चाहे तो उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर जहाँ तक मैं आपको बताऊँगा आप उसी हिसाब से भी उसको सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा अपना रीजन, तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ इंडिया। तो क्लिक करना होगा येस पर। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा अपना कीबोर्ड, और अब जो सेटिंग्स आने वाली है वो सबसे बेसिक सेटिंग है, जहाँ पर आपको अपना सेटअप करना होगा अकाउंट का, यूज़र नेम, पासवर्ड, तो उनको आप अपने हिसाब से फिनिश कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से अपना सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आगे का जो काम है हम उसको देखते हैं। तो मेरी जो विंडोज़ की सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी विंडोज़ को थोड़ा टाइम लेती है यहाँ पर सेटअप करने में खुद से। तो ये आपका जो ड्राइवर्स है या फिर जो आपके इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स है ये उसको इंस्टॉल करती है। तो मेरी जो विंडोज़ थी वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी आती है कि हम यहाँ पर जो इसके ड्राइवर्स है वर्क स्टेशन का उसको इंस्टॉल किए। तो आपको VM में जाकर इंस्टॉल VMware इंस्टॉल टूल्स पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर नीचे एक CD/DVD का एक पॉपअप आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक करना होगा रन सेटअप 64.exe पर, और यहाँ पर येस पर चूज करना होगा। तो आपके जो VMware टूल्स थे वो इंस्टॉल होने वाले हैं, और इनको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो टूल्स है वो यूज़ होते हैं
आपकी जो वर्चुअल मशीन है उसको एक्चुअल विंडो से कंपेटेबल करने के लिए उनके माइक्रोफोन्स, कैमरा या फिर जो भी एक्सेस आप इसमें देना चाहते हैं उन सभी के लिए काफ़ी सही है। तो चूज़ करना होगा कंप्लीट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो टूल्स की इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही टूल इंस्टॉल होते हैं तो आपके सामने उसका जो चेंजेस था सबसे पहला वो आपके सामने शो हो चुका है। फिनिश करते हैं और यहाँ पर क्लिक करना होगा यस पर, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम नहीं होगा जो आपकी वर्चुअल मशीन पे, सिर्फ वो रिस्टार्ट होगी। तो अभी जो आपकी वर्चुअल मशीन में जो विंडोज़ इंस्टॉल हुई है वो बूट अप होने लग रही है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा जो आपने पासवर्ड बनाया था सेटअप करते टाइम, और एंटर प्रेस करना होगा। तो विंडोज़ जो है आपके सामने ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो ज़्यादा कंपेटेबल नहीं होता इन सभी चीज़ों के साथ में। तो मैं यहाँ पर जो गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोडिंग फिनिश होने के बाद मैं उसको करता हूँ इंस्टॉल। तो अभी हम यहाँ पर अपने आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं AKTU के, तो उसमें माइक्रोफोन एक्सेस और कैमरा एक्सेस देना होता है वेबसाइट को। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि इसका माइक्रोफोन काम कर रहा है या नहीं है वर्चुअल मशीन का। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये माइक्रोफोन वाज डिटेक्टेड। तो यहाँ पर परमिशन पूछेगा अलाउ और डेनी का, तो यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है। अगर आपके सामने भी ऐसे ही पॉपअप शो हो रहा है बट उसमें लिखा हुआ शो नहीं हो रहा है कि एलो किस तरफ है और डेनी किस तरफ है, तो वेबसाइट के यहाँ पर एक लॉक ऑप्शन बना हुआ है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट का ऑप्शन है साइट सेटिंग, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो उस वेबसाइट की सारी सेटिंग्स थी वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर आने के बाद उसको कैमरा अलाउ कर देना है और जो माइक्रोफोन है वो भी अलाउ कर देना है। ये आपको हर उस वेबसाइट के साथ करना होगा जितनी वेबसाइट को आप कैमरा या फिर माइक्रोफोन एक्सेस देना चाहते हो। जैसे आपकी एग्ज़ाम की वेबसाइट हुई और आपकी जो मॉक टेस्ट हुई उनकी वेबसाइट हुई, उसके बाद वापस अपने उस वेबसाइट पर जाना होगा। ये आपको अपने एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से पहले कर लेना है। तो अभी हम माइक्रोफोन का टेस्ट करते हैं कि माइक्रोफोन वर्क कर रहा है। इसको रिफ्रेश करने के बाद तो हमारा जो माइक्रोफोन था वो डिटेक्ट हो चुका है। तो क्लिक करते हैं टच माई माइक। तो अब जो है हमारी वर्चुअल मशीन का जो माइक्रोफोन है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ आप ही के सामने। तो माइक्रोफोन जो है अपनी टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो चुका है। अब बारी आती है कि हम टेस्ट करें कैमरा एक्सेस। तो यहाँ पर हम एक वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट करेंगे हमारा जो वेबकैम है वो भी वर्क करता है नहीं करता है। तो यहाँ पर आने के बाद भी आपको सेम परमिशन इसको भी देनी होगी, क्योंकि अभी इसके पास परमिशन नहीं है। तो लॉक पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट का ऑप्शन है साइट सेटिंग, आपको उसी पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आने के बाद इसको भी आपको कैमरा और माइक्रोफोन दोनों को अलाउ कर देना है। और वापस चलते हैं अपने वेबकैम की वेबसाइट पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। बट ये जो है अभी भी मना कर रहे हैं कि जो आपको वेबकैम है वो एक्सेस नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सेटिंग और बताता हूँ। जाना होगा आपको VM में और यहाँ पर ऑप्शन होगा रिमूवेबल डिवाइसेस, और सबसे लास्ट का ऑप्शन है वो आपके कैमरे का है वेबकैम का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा कनेक्ट पर। तो क्लिक करना होगा डोंट शो मी अगेन और ओके, डोंट शो मी अगेन और ओके। तो अभी जो आपका वेबकैम था वो वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो ये वेबसाइट अगर यहाँ पर आपका कैमरा दिखा देती है तो यानी कि आपका कैमरा सही है, कनेक्ट हो चुका है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो मैं उसके लिए भी बताता हूँ। आपको सर्च में जाना होगा, टाइप करना होगा डिवाइस मैनेजर, ये सभी काम आपको वर्चुअल मशीन के अंदर करना होगा। तो डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद यहाँ पर जो कैमरे का ऑप्शन है यानी कैमरे के जो ड्राइवर्स हैं उस पर क्लिक करना होगा, और जो ड्राइवर है इस पर राइट क्लिक करना होगा और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप इसको प्रॉपर्टीज में देख सकते हो कि अपडेटेड है या नहीं है। इतना करने के बाद आपको वापस अपनी वेबसाइट पर आना होगा और उसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेबकैम है वो डिटेक्टेड हो चुका है। तो क्लिक करते हैं टेक्स्ट माई कैम। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो मेरा माइक्रोफोन था और जो कैमरा था वो दोनों आपके सामने एक्सेस मैंने करके दिखा दिया है। तो ऐसे ही आप एक साइड वर्चुअल मशीन को ओपन कर सकते हैं और दूसरी साइड अपने जो बाहर जो मेन विंडो का जो क्रोम ब्राउज़र है आप उसको सेट कर सकते हैं। दोनों को हाफ हाफ विंडो में डिवाइड कर लीजिए, जो आपका ब्राउज़र था मेन विंडो का और जो वर्चुअल मशीन था उसको भी हाफ विंडो में डिवाइड कर ले। तो आपको जो एग्ज़ाम देना होगा वो वर्चुअल मशीन के अंदर देना होगा, और जो आपको वर्क सर्चिंग करनी होगी वो आपको जो मेन विंडो थी आपकी उसके क्रोम ब्राउज़र में करना होगा।
तो आज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट को या किसी ऑनलाइन टेस्ट को, ऑनलाइन एग्ज़ाम की वेबसाइट को कैमरा एक्सेस प्लस माइक्रोफोन एक्सेस देने के बाद भी आप अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में साथ में कुछ और वर्क कर सकते हो। आप कोई क्वेश्चन सर्च करना चाहते हो या कोई टॉपिक है जो आपसे नहीं आता है तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो साइड की विंडो पर। तो ये सभी काम आपको जो है अपना टेस्ट शुरू होने से पहले एक बार ट्राई कर लेना है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।